Hello students, my name is Lalchand Marmat and I am Botany faculty at Residence Pre-Medical Kota, and today I am here to discuss the botany questions from the AIIMS paper, which was conducted on 26th May in evening shift. And as you know that paper was conducted in online mode, so actual paper was not given to the student, but we have prepared some memory based questions. These questions are exactly similar to those questions which have been asked in the exam, but there may be slight differences in the questions, like sequence of options upar niche ho sakta hai thoda sa, jaise first option third mein ho sakta hai, third option first mein ho sakta hai, ya fir question ki language mein thoda sa minor change ho sakta hai, but they are very similar to those questions which have been asked in the exam. Okay, so by this video you will get the idea about the what type of question have been asked in the exam, and from which topic and which questions have been asked, kis type ka level tha, ye sab aapko isme se idea lagega. Okay, so let's start from the first question. Gene library or the DNA library has the collection of DNA, RNA, all clone DNA fragments of an organism, cDNA only, all possible gene of organism. Sabse pehle dekho gene library. अगर हम बात करें जीन लाइब्रेरी और डीएनए लाइब्रेरी, इट इज़ ऑफ बेसिकली टू टाइप, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी एंड सीडीएनए लाइब्रेरी. ओके, सो जीन लाइब्रेरी की हम बात करें तो दो टाइप का रहता है, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी एंड सीडीएनए लाइब्रेरी. सीडीएनए लाइब्रेरी इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय द मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में सपोज मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए से विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देर इज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीडीएनए, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए सीडीएनए लाइब्रेरी. एंड जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी इज इंक्लूड ऑल द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डीएनए फ्रेगमेंट्स विच हैव बीन क्लोन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पज. सो जीन लाइब्रेरी और डीएनए लाइब्रेरी इंक्लूड बोथ जीनोमिक डीएनए एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. नाउ सी द ऑप्शंस, डीएनए एंड आरएनए. पहले ऑप्शन में आरएनए देखो गलत हो जाता है बिकॉज इट इज़ कलेक्शन ऑफ डीएनए ओनली, एंड सेकेंड ऑप्शन है ऑल डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन सही है. सीडीएनए ओनली, तो एक देखो इसमें ओनली आ गया ना, जीनोमिक डीएनए इंक्लूड नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. और ऑल पॉसिबल जीन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन द आवर करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड. Our next question is identify the diagram. It is from the class 11 biological classification, sorry plant kingdom. देखो it is directly from NCRT. आपको डायग्राम दिए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एल्गी गिवन इन द डायग्राम. फर्स्ट वन इज द पोरफायरा, दैट इज अ टाइप ऑफ रेड एल्गी. सेकेंड वन इज पॉलीसाइफोनिया, इट इज ऑल्सो रेड एल्गी. दिस इज कारा, ग्रीन एल्गी, एंड दिस इज डिक्टोटा, ब्राउन एल्गी. सो from the given options, first is porphyra, first is porphyra, then polysiphonia, cara and dictyota. First answer ho jayega, baki option aap match kar lo. Pehle main polysiphonia diya hai jabki ye galat hoga. Laminaria ye nahi hai, dictyota last mein hai, first mein nahi aa sakta, to first answer hoga. Theek hai, our next question is from the plant growth and development. Which hormone inhibit the morphogenesis? अब देखो सबसे पहले तो ये आता है मॉर्फोजेनेसिस क्या है, मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेन स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेसिस. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यू हैव टू फाइंड ऑल ग्रोथ प्रमोटरी हार्मोन्स और विच हेल्प इन द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द प्लांट. जैसे देखो 2,4-D इट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिन, इंडोलबिटारिक एसिड इट इज ऑल्सो ऑक्सिन, जेस्मोनिक एसिड इट इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन दैट वॉज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम द जेस्मिन, एंड इट हेल्प इन द हेल्प द प्लांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हर्बियोरे और हर्बियोरेस एनिमल्स. सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेवरल काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन प्लांट्स, एंड इट इज ऑल्सो हेल्प इन द मॉर्फोजेनेसिस. एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन है एंड इट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट्स वाई अवर आंसर विल बी इनिबिट. पूछा है ना मॉर्फोजेनेसिस में तो कौन सा हार्मोन होगा जो ग्रोथ को इनिबिट कर रहा होगा, तो आंसर होगा फर्स्ट एब्सिसिक एसिड. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंक्रीज शूट ग्रोथ इन कैलस कल्चर. अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कैलस कल्चर में, तो कैलस कल्चर में डिफरेंट हार्मोन्स का अगर हम रोल देखें,
So there is use of two type of hormones, auxin and cytokinin. Auxins are basically responsible for the root promotion and cytokinin are for the shoot promotion. Ab dekho question mein apne se kya pucha hai, shoot growth. So answer kya ho jayega, cytokinin. Gibberellic acid, abscisic acid, they do not play any role in the formation of shoot and root in the calyx culture. Next question, it is from the plant morphology. Match the following. X side mein aapko type of root and stem diya and X side mein diya examples. And you have to just match with them. Taproot. Taproot, as you know that it is the characteristic of dicot plant. Or given examples mein taproot ka example hai, turnip. Adventitious root. Adventitious ke modification mein NCRT mein bhi diya. Sweet potato is a modification of adventitious root. And potato is a stem and fibrous root that is found in monocot. So wheat is a monocot. Ideal match yahi hoga. Ab dekho given option mein se select kar lo. First option mein B, one ka B, do option mein diya hua hai, matlab answer inhi mein se hoga. Second mein A, baki bhi match kar lo ek baar. Third D and fourth C. So answer hoga third. Next question, which gas is presented predominantly in biogas? And options are methane, ethane, butane, propane. Dekho, options ke sab se aisa lag raha hai jaise chemistry ka question hai, but question mein pucha hai predominantly in biogas. Means which is the main constituent of biogas? And methane sabse jyada rehta hai biogas mein. To answer kya ho jayega? Methane. Direct question hai, NCRT based. Our next question is from the genetics. Which is similar term to hybrid vigor? Ab dekho, hybrid vigor kya rehta hai? When the two different type of plants are crossed, then their offspring is more superior than the both parent. This type of condition is called as hybrid vigor. Okay, it is also called as heterosis. Ye direct question hai, sirf term pucha hai aapse. So hybrid vigor is called as heterosis. To answer to jayega first. Baki option bhi ek baar dekh lo, jaise homozygosity. Hybrid vigor do not induce homozygosity, isme heterozygosity rehta hai, but heterozygosity answer nahi hoga. Why? Because heterozygosity hona gene ke respect mein diya hai, jabki hybrid vigor ke liye direct term hai heterosis. Okay, so ye hybrid vigor or heterosis, it represents the superiority of offspring over the parents. So answer, or homosis to heterosis se analogy ke liye option banaya hua hai, baki aisa kuch hota nahi. So answer hoga heterosis. Our next question is from the lycoperon, molecular basis of life. Dekho, hum agar lycoperon ki baat kare to lycoperon ke andar prokaryotes mein milta hai. Suppose this is our regulatory gene R, this is promoter region P, and this is suppose operator region O, and this is structural gene and then terminator T. Basically promoter ka kaam rehta hai to provide the site for the binding of RNA polymerase, and operator, it allow the binding of repressor. Aur repressor kaun banata hai? Regulator gene. Regulator gene, it is responsible formation of a protein which is commonly known as repressor, and this repressor act as the control of operon or any type of other operon. So repressor agar operator se bind ho raha hai, then RNA polymerase jis pe move nahi kar payega, us case mein ye off rehta hai. Aur agar man lo ye operator se bind nahi ho pa raha hai, to fir RNA polymerase jis pe move karega aur protein banega, structural gene se product banega. Theek hai, matlab switch on off karne mein kis gene ka role hai? To basically repressor ka role hai. Repressor kaun bana hai? Regulator gene. To regulator answer hoga. Our next question, which of the following is incorrect? Dekho, different statement diye and we have to just find out the incorrect statement. Mango and coconut are drupe fruit. It is also NCRT based statement. Mango coconut drupe fruit hai. It is true. Yes, sahi hai. According to Euro 4 norms, sulfur content for petrol is 50 ppm. Ye bhi sahi hai. Euro 4 norms mein yahi rehta hai. CO2 and other poisonous gases cause pollution. Sahi hai.
CO2 pollution cause करता है. And apple is a true fruit. ये गलत हो जाएगा. देखो apple is a true fruit but it is a false statement because apple is a false fruit. It developed from the thalamus. So question में अपने से क्या पूछा है? Incorrect. तो उसके हिसाब से answer क्या हो जाएगा? Our fourth answer. ठीक है. Which gases are responsible for increasing the temperature of atmosphere? देखो ये ecology से question है. NCERT में दिया हुआ है, एक ऐसा चार्ट दिया हुआ है. देखो CO2 content 60%, methane content CO2 contribute 60% of greenhouse effect, methane contribute 20% of greenhouse effect, CFC causes 14% and N2O content causes 6%. तो इस हिसाब से मतलब greenhouse effect और अर्थ की टेम्परेचर को इंक्रीज करने में किस किस का रोल है? CO2, methane, CFC एंड N2O. अब यही ऑप्शन में से अपने को फाइंड करना है. देखो पहले ऑप्शन में H2S दिया है, O2 दिया है, ये दोनों गलत हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गलत है. दूसरा ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा. थर्ड ऑप्शन देखो मेथेन CO2 N2O सब मैच हो रहे हैं. फोर्थ ऑप्शन देख लो एक बार, इसमें H2S मैच नहीं हो रहा, O2 मैच नहीं हो रहा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट एंड वॉललेस लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सही लग रहा है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा एंड हर्पीज कॉज्ड बाय वायरस हैविंग डीएनए एंड आरएनए रेस्पेक्टिवली. देखो इसमें गड़बड़ है. इन्फ्लुएंजा वायरस इट इज़ अ आरएनए कंटेनिंग, हर्पीज इज अ डीएनए कंटेनिंग. और क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन्फ्लुएंजा डीएनए एंड हर्पीज आरएनए रेस्पेक्टिवली. तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत. ठीक है. नॉस्टॉक एंड एनाबिना आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर. एक्चुअली दे आर नॉट डिकम्पोजर. एनाबिना नॉस्टॉक आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. तो ये डिकम्पोजर की वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. ओके. एंड मेथेनोजेंस आर मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन वीट क्रॉप. देखो वीट के क्रॉप में पानी इतना ज़्यादा नहीं रहता कि वहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे मडी टाइप के कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं मेथेनोजेंस. ये एक्चुअली राइस की बात करते हैं हमेशा, तो ये वीट की वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाएगा. अगर यहाँ राइस होता तो सही होता, तो ये भी गलत ऑप्शन है. तो अब कौन सा बचा? एक ही बचा. वैसे भी माइकोप्लाज्मा वॉललेस होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम वन विद द कॉलम टू. एगेरिकस, कोलेटोट्राइका, मेलबुगो, न्यूरोस्पोरा एंड क्लासेस ऑफ फंजाई आर गिवन. एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस. देखो डिफरेंट क्लासेस थे फंजाई का एंड एग्जांपल दिए, बस आपको एग्जांपल मैच करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है. देखो एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम रहते हैं और मशरूम किस में आते हैं? बेसिडियोमाइसिटिस में. तो ये इससे मैच करेगा. कोलेटोट्राइकम जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी कॉज करता है, कोलेटोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है. एल्बुगो, एल्बुगो इज अ पैरासाइटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड एंड इट इज़ वेल फेमस एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटिस. एंड न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटिस. ये इससे मैच करेगा. अब गिवन ऑप्शन में से आपको जस्ट मैच करना है. फर्स्ट का डी होना चाहिए, वन का डी एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन चेक कर लो. और सेकेंड में बी, थर्ड में सी एंड फोर्थ में ए. तो आंसर हो जाएगा फोर्थ. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. देखो आपको तीन डायग्राम दिए एंड यू हैव टू फाइंड वेदर दीज एज डायग्राम्स और एज पिरामिड्स आर एक्सपेंडिंग नेचर और डिक्लाइनिंग और स्टेबल पॉपुलेशन. ओके. एनसीईआरटी बेस्ड है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से गिवन है, सेम टू सेम डायग्राम है. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स एंड दे रिप्रेजेंट पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म. प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक द ह्यूमन्स बिफोर द प्यूबर्टी. ओके, चिल्ड्रंस इसमें इंक्लूड होंगे. एंड रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्टिव एज वाले ऑर्गेनिजम्स, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जैसे मेनोपोज के बाद में जो फीमेल्स होते हैं या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ह्यूमन्स और मेल. ओके, तो इस वाले डायग्राम में रिप्रोडक्टिव का नंबर से ज़्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव. कुछ टाइम के बाद में ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके बच्चे इनसे ज़्यादा होंगे. एंड इट रिप्रेजेंट एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, मीन्स फ्यूचर जनरेशन विल हैव मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग वन. ओके, इस वाले केस में देखो
reproductive organisms and their children or pre-reproductive, they are in equal number. So, ऐसे केस में देखो इनके इस ट्रेंड के हिसाब से देखिए तो आगे इनकी फ्यूचर जनरेशन भी लगभग इसी नंबर में रहेगा. मीन्स दिस इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन. ओके, एंड इन दिस केस रिप्रोडक्टिव का नंबर प्री रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, मतलब और भी कम हो गया प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर. मतलब ये ट्रेंड जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, डिक्लाइनिंग टाइप का ट्रेंड शो कर रहा है. तो फ्यूचर जनरेशन जो होगी उसमें और भी कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे. मीन्स इट रिप्रेजेंट द डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन. ओके, तो ए एक्सपांडिंग, बी स्टेबल एंड सी डिक्लाइनिंग. यही अपने को ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है एज पिरामिड में से. ए एक्सपांडिंग, बी स्टेबल एंड सी डिक्लाइनिंग. फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. बाकी ऑप्शन में देखो, फर्स्ट स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये डिक्लाइन नहीं है, बाकी ऑप्शन गलत है. फर्स्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम द इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से रिलेटेड है. देखो सारे सेट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं. अमेंशलिज्म, कमेंशलिज्म, प्रीडेशन एंड कॉम्पिटिशन, इनके बारे में आपको रिलेशन बताना है. प्लस माइनस किस में एक बेनिफिट होता है, किसको नुकसान होता है, या फिर जो भी रिलेशन बनता है. सबसे पहले बात करते हैं, देखो अमेंशलिज्म. अमेंशलिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट हार्म्ड एंड अन अदर ऑर्गेनिज्म रिमेन अनअफेक्टेड. मतलब एक की वजह से दूसरे को नुकसान हो जाता है लेकिन पहले वाले को कोई फायदा नहीं है, उसको ना कोई नुकसान है. ठीक है, ऐसे कमेंशलिज्म की हम बात करें तो एक को बेनिफिट है, दूसरे को ना तो फायदा है ना नुकसान है. ठीक है, मतलब अमेंशलिज्म की अगर हम बात करें तो अमेंशलिज्म में एक को तो नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा रिलेशन हो गया. कमेंशलिज्म की अगर बात करें तो एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. प्रीडेशन में, प्रीडेशन मीन्स क्या रहता है, वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म. तो जिस जो फीड कर रहा है उसको तो बेनिफिट हुआ और जिस पे फीड किया उसका नुकसान हुआ. तो ये कैसा हो गया, प्लस माइनस रिलेशनशिप, एक को बेनिफिट एक को नुकसान. कंपटीशन, कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट हार्म फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो ये नेगेटिव नेगेटिव टाइप का इंट्रैक्शन है. अब देखो गिवन ऑप्शन में से आपको यही मैच करना है. जैसे देखो फर्स्ट में ए दिया प्लस, प्लस वाला रिलेशनशिप अपने पास दो है, कमेंशलिज्म प्रेडेशन. तो ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट में जैसे ए फोर, ए के साथ में फोर, मतलब ये वाला, और इसका मैच कर रहे हैं किसके साथ, क्यू के साथ, सही है. प्लस जीरो रिलेशनशिप क्यू, कमेंशलिज्म सही बैठ रहा है पहला ऑप्शन, तो ये वाला सही हुआ फर्स्ट कॉम्बिनेशन. सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, बी थ्री पी, बी इसका रिलेशन थ्री के साथ में, मीन्स माइनस जीरो एंड पी अमेंशलिज्म, ये भी सही है. अमेंशलिज्म माइनस जीरो रिलेशन रहता है, माइनस जीरो, तो ये वाला भी सही हो गया. थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, सी टू एस, सी टू एंड एस फोर्थ वाला. देखो माइनस माइनस रिलेशनशिप किस में आता है, कॉम्पिटिशन में, सही है ये भी, तो ये भी सही हो गया. एंड डी वन आर, तो डी वन आर प्रीडेशन, वन गेट बेनिफिट वन गेट हार्म्ड, इट इज़ अ प्रीडेशन. तो पहले ऑप्शन के सारे सही है. बाकी ऑप्शन एक बार देख लो, जैसे फर्स्ट में ए वन क्यू, ए वन प्लस माइनस एंड क्यू कमेंशलिज्म, ये प्लस माइनस रिलेशनशिप कमेंशलिज्म नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन देखो, ए वन क्यू, इसमें भी यही ऑप्शन गलत हो गया, ए फोर क्यू, तो ए प्लस जीरो एंड क्यू, ये वाला ठीक बैठ रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी सेकेंड पी, बी सेकेंड माइनस माइनस एंड पी. तो देखो अमेंशलिज्म में नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता ना, तो ये वाला गलत हो गया. ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम वन विद द कॉलम टू, वीरोइड सेल वायरस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, एंड इस साइड में दिए हैं साइंटिस्ट के नेम. अब देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन वीरोइड, वीरोइड किसने डिस्कवर किया, टी ओ डी ने, जैसे मैच कर रहे हैं. सेल, सेल से रिलेटेड इधर लिवेनहॉक साइंटिस्ट दिए हुए, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व बाई लिवेनहॉक, ये सही मैच है.
Third option, virus. Virus discovered by Ivanovsky. Fourth option, triple helical structure of collagen. It was given by G.N. Ramachandran. So, Ramachandran option mein hai. So, ye iska option hoga. Ab aapko sirf match karna hai. First match C. One ka C. Ek hi option mein diya hai. Third option answer hoga. Next question. Genetic code of arginine R. Ab dekho. आपको जेनेटिक कोड फाइंड करने हैं आर्जिनिन के. अब देखो आर्जिनिन के अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो इसके 6 जेनेटिक कोड रहते हैं सी जी ए सी जी यू सी जी सी सी जी जी और इसके अलावा देखो ए जी ए जी जी दीज आर द 6 कोडन फॉर द आर्जिनिन. ओके अब आपको गिवन ऑप्शन में से सिर्फ मैच करना है. इनमें से कौन सा मैच कर रहा है डायरेक्ट ये भी एनसीईआरटी से है. देखो सी जी यू फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है सी जी सी सी जी ए ये पहला वाला मैच कर रहा है. बाकी देखो एक बार सी ए यू ये नहीं होगा ए जी यू ये ठीक है ए जी सी ये ठीक है ए ए सी ये वाला मैच नहीं कर रहा. पहले में तो यही गलत हो गया. इसमें देखो जी ए यू यही गलत हो गया. तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग ऑफ स्पाइसेस. देखो इसमें बॉटनिकल नेम दिए और आपको पूछा है किंग ऑफ स्पाइसेस. पहला ऑप्शन है ब्रेसिका निग्रा. ब्रेसिका निग्रा क्या होता है? इट इज एक्चुअली राई ब्लैक मस्टर्ड जो हम मसाले में यूज करते हैं राई वही राई है. पाइपर निग्रम इट इज ब्लैक पेपर और काली मिर्च. पाइपर लॉन्गम. पाइपर लॉन्गम इज कॉमनली कॉल्ड एज लॉन्ग पीपर और हिंदी में बोलते हैं पीपली. ये भी मसाले में यूज होता है. एंड कुरकुमा लौंगा ये तो कॉमन है. हल्दी टर्मरिक. अब इनमें से देखो किंग ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं? ब्लैक पेपर को बोलते हैं काली मिर्च को बोलते हैं. तो आंसर होगा पाइपर निग्रम. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मेज सीड. एज यू नो दैट मेज सीड इज अ मोनोकॉट सीड. एंड अगर मेज सीड का थोड़ा सा डायग्राम देखें तो इसमें एक मेजर पार्ट तो सीड का किससे ऑक्यूपाई रहता है? एंडोस्पर्म से. और बाकी इस साइड में इसका सिंगल कोटिलेडन होता है एस्कुटेलम और इसी में इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस. वन साइड ऑक्यूपाइड बाय द प्लूम्यूल एंड अदर साइड रेडिकल. एंड टू प्रोटेक्ट दिस डेलिकेट स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइज आर प्रेजेंट. तो प्लूमिल के साइड में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगा उसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल एंड दिस इज कोलियोराइजर. अब देखो विच इज नॉट फाउंड इन द मेज सीड. ठीक है तो कोलियोराइजर प्रेजेंट है, कोलियोप्टाइल प्रेजेंट है, स्कूटेलम दैट इज द सिंगल कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट सीड मेज सीड यह भी इसमें है. पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म इज एक्चुअली रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूट्रिलस फाउंड इन सम सीड्स बट मेज सीड में पेरिस्पर्म नहीं होता. तो इसमें नॉट फाउंड पूछा है ना तो आंसर यही होगा पेरिस्पर्म. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन द NH4 प्लस रिएक्ट विद द अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड. अब देखो ये क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिशन से नाइट्रोजन साइकिल में फैट ऑफ अमोनिया के अंदर एक सब टॉपिक है रिडक्टिव एमिनेशन. तो एनसीईआरटी में इसका रिएक्शन दिया हुआ है इस तरह से है अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड व्हेन कंबाइंड विद NH4 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड दैट इज अमीनो एसिड. ओके और वाटर और NADP फॉर्म होता है. ठीक है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज रिडक्टिव एमिनेशन मतलब अमोनिया अमीनो एसिड बनने का प्रोसेस है रिडक्टिव एमिनेशन.
तो अब आंसर तो आपको मालूम चल ही गया होगा, यह रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूटामेट। बाकी ऑप्शन देखो, फ्यूमरेट वैसे भी 4 कार्बन कंपाउंड है, पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड है जबकि इसमें 5 कार्बन है, और ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन इज एक्चुअली अमाइड, ये अमाइड है, इट इज़ नॉट अमीनो एसिड। अगर इसमें जैसे ग्लूटामेट में एक और अमीनो एसिड अगर जोड़ दें, सॉरी एक और अमोनियम आयन हम अगर जोड़ दें तो फिर अमाइड बनेगा, ठीक है। बट इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ग्लूटामेट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डायग्राम दिए हुए ए बी सी डी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अबाउट डायग्राम, और ऑप्शन में दिया है ए एंड बी रिप्रेजेंट एक्स एल्बुमिनस शीट, सी एंड डी रिप्रेजेंट एल्बुमिनस शीट, अगेन ए बी रिप्रेजेंट एल्बुमिनस शीट। हाँ, मतलब बेसिकली अपने से क्या पूछा है, आउट ऑफ दीज 4 इमेजेस विच इमेज रिप्रेजेंट द एल्बुमिनस शीट और एक्स एल्बुमिनस शीट। अब देखो एल्बुमिनस की अगर हम बात करें, इट मीन्स द सीड हैव एंडोस्पर्म। इफ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड देर इज न्यूट्रिटिव मटेरियल और न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। इफ द एंटायर एंडोस्पर्म इज कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट देन द सीड डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म एंड सच टाइप ऑफ सीड आर कॉल्ड एज एक्स एल्बुमिनस एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्बुमिनस सीड इंक्लूड डाइकोट सीड्स वाइल द मोनोकोट सीड आर एल्बुमिनस सीड। अब देखो गिवन डायग्राम में फर्स्ट टू डायग्राम दे आर डायग्राम ऑफ मेज सीड और मेज मोनोकोट है, मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएगा एल्बुमिनस हो जाएंगे एंड ये क्या है डाइकोट सीड है। तो इस हिसाब से देखो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे एक्स एल्बुमिनस, सी एंड डी आर एक्स एल्बुमिनस वाइल ए एंड बी आर एल्बुमिनस। ऑप्शन में से यही अपने को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो ए एंड बी रिप्रेजेंट एक्स एल्बुमिनस, ये गलत हो जाएगा। सी एंड डी रिप्रेजेंट एल्बुमिनस सीड, ये भी गलत है। ए एंड बी रिप्रेजेंट एल्बुमिनस सीड, ये करेक्ट है। सी एंड डी रिप्रेजेंट पेरिस्पर्मिक सीड, देखो पेरिस्पर्म क्या रहता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन द सीड देन इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड। तो देखो डाइकोट सीड में सारे डाइकोट सीड पेरिस्पर्मिक नहीं होते, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द मैच द कॉलम, वी हैव टू मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। क्राइसोफाइट्स, देखो क्राइसोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज डायटम एंड डेस्मिड और गोल्डन एल्गी। देखो तो इसमें डायटम ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहला इससे मैच होगा, गोनेल एक्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइनोफ्लेजिलेट तो ये इससे मैच हो जाएगा, पेनिसिलियम इट इज अ फंजाई, स्लाइम मोल्ड, देखो स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम टर्म इज रिलेटेड विद द स्लाइम मोल्ड, ये इससे मैच कर रहा है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शन में से, वन का बी एंड टू का डी। वन का बी दो ऑप्शन में है, मतलब तीन ऑप्शन में, इनमें से आंसर होगा। टू का डी एक ही ऑप्शन में है, सेकंड का डी फोर्थ, यहीं से अपन देख सकते हैं, बाकी भी एक बार मैच कर लो। थ्री का वन फोर का सी मैच हो रहा है, फोर्थ आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एसर्सन रीजन टाइप। देखो आपको मालूम है एम्स में एसर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन C4 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज 4 कार्बन कंपाउंड, सही है। C4 क्यों बोलते हैं, C4 इसीलिए बोलते हैं बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन दैट इज ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। ओके, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। C4 प्लांट C3 साइकिल एब्सेंट, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, C3 साइकिल इज प्रेजेंट इन C3 प्लांट एज वेल एज C4 प्लांट एज वेल एज CAM प्लांट्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो अब देखो SSN करेक्ट है, रीजन गलत है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज फ्रॉम द इकोलॉजी। देखो मर्करी वेपर एमिटिंग आउट फ्रॉम द स्क्रबर पोल्यूट एनवायरमेंट, इट इज SSN एंड रीजन स्क्रबर कैन नॉट ट्रैप मर्करी वेपर। अब देखो सबसे पहले तो स्क्रबर की बात करते हैं, स्क्रबर का डायग्राम NCERT में गिवन है, तो ऐसा कुछ डायग्राम है। देखो इसमें क्या रहता है, एक जो डर्टी एयर होता है या फिर फॉल एयर जो रहता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसको यहाँ से पास आउट करते हैं और इस चैम्बर के अंदर यहाँ से वाटर सप्लाई और लाइम वाटर स्प्रे करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ इस लाइम वाटर और वाटर में मिक्स होकर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है
पार्टिकुलेट मैटर और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड क्लीन एयर यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली स्क्रबर का अगर हम फंक्शन देखें तो एनसीईआरटी के हिसाब से पार्टिकुलेट मैटर ट्रैप करना है या फिर SO2 ट्रैप करना है। इसी में अगर मर्क्यूरी की हम बात करें, जैसे क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में पूछा है, मर्क्यूरी वेपर, मर्क्यूरी वेपर भी इस वाटर के साथ में ट्रैप होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी में मर्क्यूरी वेपर भी हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्लीन एयर में मर्क्यूरी की वेपर्स नहीं जाएंगी, ठीक है। अब देखो एसरशन, देखो मर्क्यूरी वेपर एमिटिंग आउट फ्रॉम द स्क्रबर पोल्यूट एनवायरमेंट। नाउ ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट एमिटिंग आउट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉट एमिटिंग आउट, तो तब जाके स्टेटमेंट सही होता। तो एसरशन गलत है, स्क्रबर कैन नॉट ट्रैप मर्क्यूरी, नो इट इज़ रॉन्ग, स्क्रबर कैन ट्रैप द मर्क्यूरी वेपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसरशन इज रॉन्ग, रीजन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो फोर्थ आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम द प्लांट एनाटोमी, एनुअल रिंग्स आर यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री, यस इट इज़ ट्रू। देखो एनुअल रिंग की बात करें तो प्लांट्स के अंदर स्पेशली इन टेम्परेट कंट्रीज देर आर मच वेरिएशन इन द डिफरेंट सीजन्स टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सीजन, सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड इज कंपेरेटिवली लाइट इन कलर एंड इट हैव मोर डायमीटर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट और इट इज मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वाइल द ऑटम वुड इट इज डार्क इन कलर बट इट इज नैरो। ओके तो देखो इसके अगर हम रिंग्स की बात करें, एक साल में एक बार टेम्परेट कंट्रीज में एक बार एक स्प्रिंग टाइम आएगा, एक ऑटम टाइम आएगा, मतलब एक साल में दो रिंग्स बनेंगी, दिस लाइट कलर्ड रिंग एंड डार्क कलर्ड रिंग। वी कैन फाइंड द एज ऑफ प्लांट बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ ईदर ऑटम रिंग्स और स्प्रिंग रिंग्स। ओके तो जैसे अभी ये जो डार्क कलर वाला है इसी को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, मतलब इस ट्री ट्रंक की हम बात करें तो ये कौन से प्लांट का ट्री ट्रंक होगा जिसकी एज 4 ईयर है, ठीक है। तो ऐसे एज फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन बेम्बू, इट इज़ ट्रू बिकॉज बेम्बू इज अ मोनोकॉट एंड मोनोकॉट डू नॉट हैव सेकेंडरी ग्रोथ, बट एनुअल रिंग का और सेकेंडरी ग्रोथ का क्या रिलेशन है, यहाँ पर बेम्बू का इससे कोई रिलेशन नहीं है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट बट दे दिस रीजन डू नॉट एक्सप्लेन द असर्सन, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी अवर सेकेंड, असर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट इट डू नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द असर्सन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमस और सिम्बायटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट। देखो ग्लोमस जीनस की जो फंजाई है द फॉर्म माइक्रोराइजा एनसीईआरटी में गिवन है, सो दिस एसोसिएशन इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ग्लोमस और सिम्बायटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एजो स्पाइरिलियम एंड एजोटा बैक्टर आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बट सिम्बायटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट दैट इज माइक्रोराइजा एंड एजो स्पाइरिलियम एजोटा बैक्टर, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, दे डू दिस रीजन डू नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट, सो अगेन द आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटरी लैंडफिल इज बेनिफिशियल फॉर वेस्ट डिस्पोजल, इट इज़ फ्रॉम इकोलॉजी एनवायरमेंटल इश्यूज, ये स्टेटमेंट देखो सैनिटरी लैंडफिल इज बेनिफिशियल फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ये करेक्ट है बिकॉज सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं, जैसे कोई नेचुरल पिट या फिर पिट करके आर्टिफिशियली वेस्ट को डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट को, देन अगेन सॉइल का एक लेयर स्प्रे कर देते हैं उसके ऊपर, तो ये स्टेटमेंट सही है। देन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सैनिटरी वेस्ट डिकम्पोज इट एंड कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर और यूज एज फर्टिलाइजर। देखो ये स्टेटमेंट भी इंडिविजुअली सही है, बैक्टीरिया इसमें सैनिटरी वेस्ट में होते और ये इसको डिकम्पोज भी करेंगे उससे फर्टिलाइजर भी बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो ये इस स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा, व्हाई, बिकॉज द मेन पर्पज ऑफ सैनिटरी लैंडफिल इज नॉट टू फॉर्म फर्टिलाइजर, मेन पर्पज ऑफ सैनिटरी लैंडफिल इज टू गेट राइड ऑफ वेस्ट एंड टू मिनिमाइज द पोल्यूशन, बिकॉज अगर ओपन डंपिंग करेंगे तो उस केस में
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ से स्प्रेड होंगे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एंड इट मे कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज एंड अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो कॉज्ड बाय द ओपन डंपिंग लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ऐसे में उन पोल्यूशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम सैनिटरी लैंडफिल करते हैं. तो ये इसका मेन रीजन नहीं है, इसलिए इसमें आंसर फर्स्ट नहीं जाएगा. इसमें दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली करेक्ट मानेंगे बट इट्स डो नॉट एक्सप्लेन द असर्शन. सो आंसर हो जाएगा सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैक्सिसोम, स्पेरोसोम, लाइसोसोम आर सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन. देखो ग्लैक्सिसोम एंड स्पेरोसोम हम माइक्रोबॉडीज में पढ़ते, दे आर सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम इज ऑल्सो सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीजन, क्वांटासोम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट. क्वांटासोम होता है क्लोरोप्लास्ट में लाइट को ट्रैप करने के लिए. बट इस सिंगल मेम्ब्रेन और क्वांटासोम का कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन. दैट्स वाई बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट बट डू नॉट एक्सप्लेन द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन. सो आंसर विल बी सेकेंड. नेक्स्ट असर्शन, यूकैरियोट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड लीनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. सही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ते हैं और लीनियर क्रोमोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में. ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन इज करेक्ट. नाउ रीजन, इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियोलस होता है, तो ये रीजन गलत हो जाएगा. अब उस हिसाब से आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ए इज ट्रू और assertion is true but reason is false.